अभी फोन आ सकता है आशीर्वाद गुरु का। चलो रे पहले देखिए हम इसको बहुलक सीखेंगे, बहुलक को पहले फार्मूला जाने क्या होता है। बहुलक का फार्मूला से देख लीजिए, अंग्रेजी में इसको मोड कहते, क्या कहते रहे, एल प्लस। देखो यह फार्मूला याद रखने के लिए बड़ी निंजा टेक्निक है, याद रखने के लिए पहले वो लाइन दो, लाइन बुझा लाता है ना, लाइन देना बुझना आए करता होगा। जी सर, एफ वन माइनस एफ जीरो, कोई डाउट? नो सर। पहले वन फिर जीरो, एफ एफ सब लगा था, कोई बात समझ रहे हैं? फिर यहाँ पे लिखिए एफ वन माइनस एफ जीरो, कोई डाउट? नो सर। रे रे नो सर, यहाँ तक ठीक है ना? एकदम सर, एकदम। यहाँ दो लगाइए, यहाँ एफ टू लगाइए, एफ टू, कोई बात? जी सर। रे रे कोई बात? जी सर। अब देखिए ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, कोई बात? जी सर। कोई डाउट? नहीं नो सर। चलिए ये बात, फार्मूला लिखना सीख गए? यस सर। देखिए इस फार्मूला बहुत को बहुला का फार्मूला नहीं याद रहता है, अब बहुला का फार्मूला नहीं याद रहेगा तो बताइए क्या कीजिएगा? समझने वाली बात बताओ। देखो यहाँ पर मैं एफ वन एफ जीरो सेम टू सेम लिखे है ना? यस सर। इधर भी टू लगा दिए, यहाँ माइनस एफ टू लगा दिया, एच तो एच समझ रहे ना, एच मैंने बुझ लेना हमारे नाम आरो हरेंद्र बाल बच्चा बंदर कनिए मेरे चल अरे सभी काम से। अच्छा बताइए, दिमाग चेंज सर जी, कोई आदमी मान लो सबसे बेसी नंबर लाया तो वो कथी होगा? टॉपर या फर्स्ट करेगा, जो सबसे बेसी है वो फर्स्ट है ना रे? यस सर। इसे बताइए मान लो कि परीक्षा में केकरा आया एक नंबर, केकरो दो, केकरो पांच, केकरो सात, केकरो सात आया, बताइए तो सबसे बेसी केकरा? सात। बोर्ड पर ध्यान देना नुनु लिखे पर ना तो लुई लुई कर दे। यहाँ देखे इसे बताइए सबसे बेसी नंबर केकरा? सात हुआ ना रे? यस सर। ये हो गया फर्स्ट, क्या हो गया रे? गणित ये तो अंग्रेजी में एफ से फर्स्ट हो गया, लेकिन एफ से फेलो होता है ना, इसलिए गणित में फर्स्ट का मैंने एक लगा दे, क्या लगा रे? एक मैंने फर्स्ट वन है, पहला ऐसा रहे रे? ये हो गया एफ वन, कोई डाउट रे? नहीं सर। गिनती आवे है? यस सर। आइए एफ वन के बाद क्या होता है? नीचे एफ टू नहीं होगा रे? यस सर। उसके नीचे एफ थ्री की जरूरत है? अच्छा एक बात बताओ, ये बात समझ में आ रहा है? देखो एक को बात याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ खाली दिमाग होना चाहिए उसको। अब सोच के देखो यहाँ एफ वन है और नीचे एफ टू है ना, बताइए गिनती में बताओ, एक दो होता है उससे ऊपर जीरो नहीं होता, फर्सी ना हो जाएगा, तो अब गिनती कीजिए जीरो एक दो, देखे जीरो एक दो, खाली तुम फर्स्ट का सेलेक्ट कर लेना, नीचे टू ऊपर जीरो हो जाएगा ना, एकदम याद रहेगा ना? मम्मी क्रिया यस सर, याद रहेगा ना? यस सर। दो चार को नहीं बोला है नुनु? नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं कि आए पढ़ाते हैं कल भूल जाता है, सर माना चाहिए तो रहा है कि ये कोई ये बात नहीं याद रखता है, लेकिन पड़ोसी कहाँ भाग गया वो याद रहता है। वो तो बोलबे करे, खिलाड़ी बोल दिया। अब देखिए लिख दीजिएगा यहाँ पे वर्ग अंतराल, क्या लिखेगा नुनु? वर्ग अंतराल देख लीजिए, वर्ग अंतराल में ये बताओ इसका वर्ग अंतराल कितना होगा? जो बड़का घेरे हैं वही होगा ना जी? आठ से दस, कोई डाउट रे? आठ से दस ठीक है ना? चलिए समझने वाली बात है, जो फर्स्ट किया है उसी का अगला एल होता है, क्या होता है रे? कोई डाउट नहीं ना? इसमें देखो सबसे छोटका है ना, अब दिक्कत जैसे माधिका सिखाए थे तो बताए थे ना अगला एल होता है, बोले थे ना फ्रंट में देखे थे किसको? लड़का याद नहीं, लड़की का नाम लड़का का नहीं याद होगा, समस्या पांचवे लड़की का नाम तो ऐसा ऊपर याद होगा, जो ऊपर से दो का नाम बोलता था वो पहला दूसरा था। कोई लड़का बार बार किसी लड़की का नाम ले रहा है, सर ये दोस्त है दोस्त है दोस्त है, सर बहन लगेगा तो बुझ जाना कुछ गड़बड़ है, दया इसका डिफरेंस देखिए कितना का? 14 दो इसमें घटाइए तो दो। अच्छा बताइए तो एच का मान कितना है? दो। अब बताइए एफ वन सात, एफ जीरो पांच, एफ टू छह, अब बताइए एल का मान आठ आठ वाले रे? यस सर। ये जो घेरे हैं ये जो चले ई हो गया ना रे? यस सर। एल कमान ये कहाँ है हमार? एल कमान। अब चले फार्मूला पर रख देते हैं, बहुलक सीख गए आप लोग,
खाली फार्मूला पर रखना, बताए एल लिखल, एल का मान कत्ते प्लस दे दिया रे, कोनो दिक्कत समस्या बिल्कुल नहीं सर। एफ वन बताइए माइनस एफ जीरो, फिर वही लिखेंगे सात और पाँच लिखेंगे रे, आगे इसका गुना मागम क्या लगा देंगे, माइनस या माइनस एफ टू का वैल्यू कितना है, एच का मान दो, नहीं समझ में आया, यस सर। अरे एफ वन का मान देखिए कितना है, सात में है, वही तो लिखे सब लिखे मान, यस सर। अब चलिए इसको समझने वाली बात क्या है, तू समझे समझो, आठ प्लस सात में से पाँच गया, पहले दोनों गुना कर क्रिया खा लो, आज क्रिया ये खा लो कि जब भी बहुलक बनाएंगे तो ये दोनों माइनस में वो जुटेगा, वही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर, माइनस माइनस प्लस प्लस फिर माइनस 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 कब प्लस होता है, जब वो गुना में गुना होता है, बस अरे लेकिन उधर अच्छा बताइए पाँच और छह कितना होगा, लेकिन माइनस में ग्यारह जोड़े है ना, एगो माइनस दे देना दोनों को जोड़ देना, कोई डाउट नहीं है, एकदम सीधा सीधा और निंजा टेक्निक। अब बताओ एच का मान का दो हो गया ना, कोई डाउट नहीं सर, रहना भी नहीं चाहिए, रहेगा तो दे हाथ तोड़ के रख देंगे दो। अब बताइए चौदह में से ग्यारह गया, तीन बचा ना रे, गुने बताइए आठ प्लस दो से तीन गुना करें कितना, अब तोरा मन में ऐसा कि तीन से गुना नहीं के ये ऊपरे वाला लाया है, बस रे। अब जैसे मान लीजिए आप अपने घर में इकलौता बेटा है तो पापा जी ऊपरे से लाएंगे बुआ ले रसगुल्ला ले छोड़े के न रे, हाँ आप बेटी लिखे बता नरे, अरे बताए आठ से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, चार से गुना करेंगे तीन के गुना करेंगे चौबीस चार बउआ, जरा नहीं समझ में आया बीन का जोर किए लघुत्तम तीन हुआ, एक का टेबल पढ़ेंगे तीन दाम तो तीन, आठ को तीन से गुना आठ प्लस तीन का टेबल पढ़ेंगे तो तीन एक बार में, एक को चार से गुना करेंगे तो चार, सेमी बात नहीं है लिखे आप कर लीजिएगा ठीक है ना रे, इसका आंसर क्या आ गया अट्ठाईस बटे तीन, आप समझ गए होंगे ना, ठीक है अब देख लीजिएगा खिलाड़ी उठ गए।